चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमारी कोलकाता की फ्लाइट है 10:30 की और एयर एशिया की फ्लाइट है हमारी, तो अभी हम एयर एशिया के काउंटर पे जाएंगे, अपना बोर्डिंग पास लेंगे और बैग चेक इन करवाएंगे। लेट्स गो टू चेक इन काउंटर। तो अभी हम अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे इनको, अपना लगेज डालने जा रहे हैं। फोर पर्सन वन लगेज ही अलाउड है अभी। और एक मेरा लगेज है, वो भी बोर्डिंग पास का वेट कर रहे हैं फाइनली। और हमारे कैमरे बैग्स यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप नोटिस कर लीजिए, आप ये बैग में ये सब सारी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो फाइनली हमने लगेज भेज दिया है और हमें बोर्डिंग पास मिल चुका है। तो हमें, तो मेरी सीट विंडो की है और इनकी मेरे बगल की सीट है, तो मुझे बहुत तगड़ा व्यू मिलने वाला है विंडो का। बाय। यहाँ पे सब खाली करना पड़ता है, अपना कैमरा बैग, लेंसेस, बैटरी वगैरह। तो ये देखिए, हम सारा डाल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने सारा सामान निकाल दिया अपना। यहाँ पे एप्पल है, चार्जर, चेक इन लाइन भी पार कर चुके हैं। और हमारा गेट नंबर क्या है आशीष भाई? 3। हमारा गेट नंबर भी 3 है और हमारा सीट नंबर भी 3 है। लेट्स गो। कोलकाता की फ्लाइट लगी हुई है एयर एशिया। लेट्स गो। जो हमारी एयर एशिया की फ्लाइट है वो वाया है चेन्नई टू हैदराबाद एंड देन वी विल गो कोलकाता। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं एयरपोर्ट पे आके। सुबह 6 बजे हमारा पैकअप हुआ है और देखिए हमारे आशीष भाई कैसे सो रहे हैं। तो 10:15 हो चुके हैं और हमारी फ्लाइट आ चुकी है, तो अभी हम फ्लाइट में एंट्री मार रहे हैं। तो आ चुका है एशिया का हैदराबाद और फ्लाइट क्लीन हो रही है। हम कोलकाता पहुंच चुके हैं और हम अपना लगेज लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा लगेज यहाँ बेल्ट नंबर 5 पे आया हुआ है, तो हम अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए निकल रहे हैं। थैंक यू। तो हम कहाँ पहुंच चुके हैं? कलकत्ता एयरपोर्ट, डमडम एयरपोर्ट। और हम एग्जिट मारने वाले हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा और ट्रेवलिंग है यहाँ से। तो हमारी लाइफ का मोस्टली पार्ट ट्रैवलिंग में जा रहा है। तो हम कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर हैं और यहाँ पे किसी का स्वागत के लिए बहुत ही तगड़ी तैयारियाँ हो चुकी है, तो मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा वहाँ के। ऑफलाइन करके ले जाएं तो दिक्कत आपको नहीं ना है? आपको 800 ही देना है। हाँ, 800 ही दे दीजिए। क्या नाम है भैया आपका? चंदन। तो कोलकाता कैसा है और बताइए कुछ कोलकाता के बारे में हमें। इतनी अच्छे हैं कि यहाँ का मैंने उस तरह से बना के नहीं रख रहा है। ओके, सरकार की गलती है क्या? सरकार की गलती क्या करे, इस तरह से ये जो है यहाँ पे जगह बहुत मस्त जगह, हमारे यहाँ पे बहुत लो डेवलपमेंट। ओके, मौसम कैसा है अभी का यहाँ पे? यहाँ का मौसम बस ऐसे ही है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, वो मौसम नहीं है अभी, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है। ओके, बहुत अच्छा स्काई दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये देखिए। कोई फ्लाइट का वीडियो, होटल में स्टे कर चुके हैं और हम अभी डिनर के लिए जा रहे हैं बाहर। 10 o'clock हो चुका है। नाइट एंड टुमारो सूट। तो हमारा होटल का नाम है हिंदुस्तान इंटरनेशनल इन कोलकाता। तो अंकल कुछ बताइए कोलकाता के बारे में, कैसा है कोलकाता? कोलकाता बहुत सुंदर है, हर का मजा आ रहा है कोलकाता में। थैंक यू अंकल। तो रात के 11:30 हो रहे हैं और हम कोलकाता में स्पेशल जगह आए खाना खाने। रोटी पक रही है और यहाँ पे फ्राई हो रहा खाना का। तो हेलो दोस्तों, हम कोलकाता से निकल रहे हैं, हिंदुस्तान होटल से।
तो कैसे कहाँ जा रहे हैं आशीष भाई? अभी हम नेक्स्ट ट्रिप मुंबई आपके डैड नागपुर। तो अभी कलकत्ता का इवेंट खत्म हुआ कल, काफी अच्छा हुआ। तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है हिंदुस्तान होटल के बाहर और ये लगेज लोड हो रहा है, एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं अभी हम। तो बाय बाय कोलकाता। बताइए भैया कोलकाता के बारे में कुछ। यहाँ दुर्गा पूजा के लिए सबसे फेमस है। अब दुर्गा पूजा में घूमना है तो आइए दुर्गा पूजा में षष्ठी से, नहीं तो नवमी अष्टमी नवमी दसवीं घूमना चाहेंगे तो संभव नहीं है। अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ जिस तरह मुंबई में होता है गणेश चतुर्दशी का, उससे बढ़िया यहाँ पर मिलेगा। समय में आएंगे तो आपको दक्षिणेश्वर काली काली घाट माँ शक्ति जी का जो एक अंग जो गिरा था काली घाट जी में, फिर जाकर बेलूर मठ जो रामकृष्ण परमहंस जी का जो मठ है वो देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। फिर बी गार्डन बोकरोटियर गार्डन जिस जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जड़ वो देखने को मिलेगा। आज तक साइंटिस्ट उनको पता नहीं कर पाए कि मेन जड़ कहाँ है। जल्दी एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया है पीछे से बीजेपी के एक नेता आने वाले थे जिससे पूरा रास्ता क्लियर मिल गया, सिग्नल हम लोग को मिलते गया, 10 मिनट पहले पहुंच गए। और ये हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और हम अपना लगेज लोड कर चुके हैं, अभी वेब चेक इन करने जा रहे हैं हम। बट आज के दिन भी कोई आराम नहीं है, आराम नहीं है क्योंकि हमें काम करना है, काम और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और हमारी फ्लाइट कौन सी है आशीष भाई? विस्तारा। विस्तारा हमारी विस्तारा की फ्लाइट है फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो अभी हमारी 10:25 की फ्लाइट विस्तारा कैंसिल हो गई है। नो मिस हो गई है। तो हमने अभी नेक्स्ट फ्लाइट बुक करवाई है इंडिगो। फाइनली हमारी जो 6 बजे की फ्लाइट थी वो रिशेड्यूल होके 3 बजे की हो गई है। 3 बजे फाइनली घर पे थोड़ा पहले पहुंचेंगे तो रेस्ट कर सकते हैं। बैक टू बैक शूट करके थक गए हैं और इसलिए 20 दिन से हम घर से बाहर ही हैं। बैगों में इतने सारे कपड़े हैं, हर स्ट्रीट में नया कपड़ा खरीदना पड़ रहा है हम लोग को। अभी हम KFC के बाहर बैठे हैं। हेलो दोस्तों, तो हमारी 3:55 की फ़्लाइट है और अभी 12 बज चुके हैं। तो हम इतनी देर एयरपोर्ट पर क्या करेंगे? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग लॉन्च में ट्राई करें अपना क्रेडिट कार्ड लेके। सबसे बेस्ट ऑप्शन 2 से 2500 रुपये के बीच में आप वहाँ पे 2 घंटे रिलैक्स कर सकते हो और जितना चाहे उतना अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं। देखिए तो अभी हमारी बोर्डिंग टाइम स्टार्ट होने वाली है, चेक इन हो चुकी है हमारी। तो अभी निकल रहे हैं, फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। इंडिगो हमारी फ्लाइट है इसको। अभी हम इंडिगो फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं, सीट नंबर हमारी 28F है। और ये देखिए व्यू बाहर का बहुत तगड़ा है। अपना लगेज रखने जा रहे हैं, पीछे सीट है हमारी काफ़ी ज़्यादा। सैनिटाइज हो रहा फ्लाइट धुएं से, काफी मजे कर रहे बेटा। Ladies and gentlemen, boys and girls, it's simply wonderful to fly with you on Indigo Flight 60-6965. We will take 2 hours and 10 minutes to reach Mumbai. The crew in the flight deck, Captain Manha, First Officer N.R. Patel, in the cabin are. तो हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है T2 पे। तो अभी हम फ्लाइट से निकल चुके हैं और लगेज की तरफ जा रहे हैं अपना लगेज लेने। बेल्ट नंबर 3 पे हमारा लगेज आया है। लेट्स गो। और मैं अभी अपने घर को पहुंच चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ कोलकाता से आके। तो बाय गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।